पिछड़े वर्ग की अनदेखी को लेकर सरकार के खिलाफ दतिया से 28 जनवरी को पिछड़ा वर्ग अधिकार यात्रा शुरू होगी। विधानसभा में भ्रमण करते हुए यह यात्रा 16 फरवरी को भोपाल पहुंचेगी, जहां विशाल प्रदर्शन किया जाएगा। ओबीसी फ्रंट के तत्वावधान में दतिया पीताम्बरा पीठ से 28 जनवरी से पिछड़ा अधिकार यात्रा की शुरुआत की जाएगी। दामोदर यादव ने बताया कि अनेक विधानसभाओं में भ्रमण करते हुए 16 फरवरी को यात्रा भोपाल पहुंचेगी, जहां विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस समय पिछड़ा वर्ग की चार मुख्य मांगे हैं। एमपी में जातिगत जनगणना, जब तक जातिगत जनगणना पूर्ण नहीं होती तब तक ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। सरकार ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देते हुए विधानसभा एवं लोकसभाओं की सीटें आरक्षित की जाएं, एवं किसानों का कृषि क्रेडिट कार्ड का कर्ज माफ किया जाए। यादव ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर सीएम हाउस का घेराव भी किया जाएगा। बाबा रामदेव की बुद्धि खराब हो गई है, पागल हो गया बाबा रामदेव। जो आदमी 20 साल से 20 बार ये कह चुका है कि मैं डरता नहीं किसी से क्योंकि मेरे रगों में अहीर का खून है, ये अहीर का खून अचानक से ब्राह्मण का खून कैसे हो गया? और तथा कथित तो भार्गव बन रहे हैं, वो तो भार्गव भी उनको स्वीकार नहीं करेंगे। और मैं खुद भी यादव हूं, इस नाते ये कह रहा हूं, मुझे शर्म आती है बाबा रामदेव के उस बयान पे। बाबा रामदेव को ने जो पलटा मारा है कि मैं तो ओबीसी के बारे में कह रहा था। कौन सा ओबीसी? वो हैदराबाद वाला ओबीसी, तो स्पष्ट करें ना। वो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इस गोत्र में आता हूं, इस जाति में आता हूं, और लोग कहते हैं ओबीसी, कौन सा ओबीसी, ऐसी तैसी कराए ओबीसी। बाबा रामदेव या तो माफी मांग ले, नहीं तो ओबीसी उनकी ऐसी तैसी कर देगा। अभी 5-6 दिन ही हुए हैं उस बयान को, आज मैंने आप सबके समक्ष ये बात रखने ही वाला था। अगर बाबा रामदेव अगले 2-3 दिन में कायदे से उसके लिए माफी मांग लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो एक तारीख तय करके मध्य प्रदेश के कम से कम 50 जिलों में उनके पुतले जलवाऊंगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।